देखिए, हमें लगता है कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो ज़्यादा ट्वीट करता है, और यही निशिकांत दुबे जी करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े विवाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी की ओर से की गई शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी होने के बाद झारखंड की सरकार एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में है। इस बीच गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने एक बार फिर झारखंड में सियासी अटकलों को हवा दे दी है। इस बार उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जहारत जय श्री राम, आखिर झारखंड में हो गया काम। बीजेपी नेता के इस ट्वीट के बाद राज्य में सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं इस गर्माहट के माहौल में कांग्रेस ने भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर तंज कसा है। कहा कि मोदी जी सारे चीजों पर GST लगा दिए हैं, बस ट्वीट पर नहीं लगाए हैं, इसलिए फ्री का ट्वीट निशिकांत दुबे जी कर रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, हमें लगता है कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो ज़्यादा ट्वीट करता है, और यही निशिकांत दुबे जी करते हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे जी को जनमानस से मतलब नहीं है। किस मुंह से उजाएंगे? एक किलो दाल, एक किलो चावल, एक किलो आटा पर भी प्रधानमंत्री ने GST लगा दिया है, तो निशिकांत दुबे क्या बताने जाएंगे जनता के बीच? तो बंद रूम में, कोठली में वो ट्वीट कर देते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो ट्वीट करते रहे। प्रधानमंत्री जी तो ट्वीट पर भी GST नहीं लगाए हैं ना। फर्क तो ये है कि जिस जिस चीज पे प्रधानमंत्री ने जो GST नहीं लगाया, जुमलेबाजी पर, अफवाह पर, ट्विटर पर, तो ये लोग उसका लुप्त उठा रहे हैं। उठाएं 2024 में पूरी तरह इनका कुनबा साफ हो जाएगा, उसके बाद ये लोग ट्वीट करने लायक भी नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।